हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कार मैट्रिक्स। वो होता है करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट। तो करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट जब रेज की जाती है, एक जब कंपनी का ऑडिट होता है तब कार जनरेट किया जाता है, जिसे शॉर्ट में CAR करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो आज मैं आपसे उसका एक फॉर्मेट शेयर करूंगी, ठीक है? तो हम इसे देखते हैं। यहाँ पर आएगा साइट का नेम। साइट का नेम मतलब वो साइट जो है वो कहाँ है। जैसे कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है, उसके अलग अलग लोकेशन पे साइट्स होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक किसी की एक साइट पुणे में है, एक साइट दिल्ली में है, एक बैंगलोर में है, तो यहाँ पे कौन सी साइट का ऑडिट हो रहा है वो देखना है। फिर BU, BU एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है बिजनेस यूनिट। मतलब वो बिजनेस यूनिट कहाँ पर है या फिर उसका नाम क्या है, राइट? साइट में लोकेशन आएगी कि कहाँ की साइट है, BU में बिजनेस यूनिट, उसका पूरा नाम आएगा, राइट? क्योंकि हर जगह पे ग्रुप्स का नाम भी चेंज हो जाता है, वो सेम नाम से नहीं रहता है, मेन ग्रुप वही रहता है लेकिन उसके अंदर सब सब नेम्स आ जाते हैं। तो बिजनेस यूनिट का नाम लिखना है। फिर प्रॉम्प्ट फॉर नॉन कन्फॉर्मेंस, लाइक अगर हम कोई भी ऑडिट करते हैं तो उसमें NC मिलता है। NC दो तरह की होती है, एक नॉन कन्फॉर्मेंस बोलते हैं जो कि होती है माइनर या मेजर, राइट? अगर किसी रूल के अगेंस्ट, किसी लॉ के अगेंस्ट पूरा की पूरा लॉ ही फॉलो नहीं हो रहा है तो इट कम्स एज ए मेजर NC। लेकिन अगर उस रूल की या उस क्लॉज की कुछ चीजें सिर्फ लागू नहीं हो रही है, क्लॉज फॉलो हो रहा है लेकिन कुछ चीजें नहीं लागू हो रही है, तो वो माइनर NC में आएगा। लेकिन अगर लीगल मैटर है तो वो भले माइनर भी हो, वो भले ही छोटी सी भी नॉन कन्फॉर्मेंस हो, वो मेजर में ही आती है, राइट? तो प्रॉम्प्ट फॉर नॉन कन्फॉर्मेंस में हमें लिखना है यस और नो, राइट? या फिर मेजर और माइनर, राइट? फिर स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट में हम किस क्लॉज के अगेंस्ट ऑडिट कर रहे हैं। लाइक हम एनवायरनमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, जैसे कि हम क्वालिटी का ऑडिट कर रहे हैं, QMS सिस्टम का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर पहले OSHA चलता था लेकिन अब वो भी इसी में आ गया है ISO में। तो ISO 45001 का ऑडिट कर रहे हैं या ISO 9001 का कर रहे हैं जो कि क्वालिटी का है, या ISO 14001 का कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट का है, राइट? तो स्कोप ऑफ ऑडिट लिखना पड़ेगा। देन टाइप ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ऑडिट मतलब कई तरह के ऑडिट होते हैं। ऑडिट होते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, सर्विलेंस ऑडिट होते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन ऑडिट होते हैं, तो कई तरह के ऑडिट्स होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑडिट हम कर रहे हैं, क्रॉस एंटिटी ऑडिट्स भी होते हैं। क्रॉस एंटिटी ऑडिट मतलब एक साइट दूसरी साइट को ऑडिट कर रही है, उसे भी क्रॉस, उसे ही क्रॉस एंटिटी ऑडिट्स बोलते हैं, राइट? तो ऑडिट्स के कई तरह होते हैं। तो ये कौन से वाले ऑडिट में हम कवर कर रहे हैं, डेट ऑफ ऑडिट, बट ऑफ कोर्स किस डेट को ऑडिट किया गया है। ऑडिट कई दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 2 मैन डेज का भी हो सकता है, 5 मैन डेज का भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स व्हाट इज द साइज ऑफ एंटिटी एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑडिटर्स, राइट? सो डेट ऑफ ऑडिट में डेट्स डालनी रहेगी जब जब ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट, नॉन कन्फॉर्मेंस क्लासिफिकेशन। लाइक यहाँ पे हम जब भी स्कोप डालेंगे ऑडिट का, तो हम उसमें वो डालेंगे कि कौन सा वाले हम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट कर रहे हैं। तो उस स्टैंडर्ड का कौन सा वाला यहाँ पे हम नॉन कन्फॉर्मेंस जो भी है हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसका हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं नंबर। स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, तो कौन सा हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड नॉन कन्फॉर्मिटी एट्रीब्यूटेड टू इंटीग्रेटेड ऑडिट्स होंगे। इंटीग्रेटेड ऑडिट्स मतलब ये कि जैसे कुछ साइट्स जो है वो जॉइंट ऑडिट करवाती है, लाइक जनरली ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का ऑडिट जॉइंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ISO 45001 एंड ISO 14001, इन दोनों का जॉइंट ऑडिट हो जाता है। तो उसमें कई बार कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल कर आ जाते हैं, तो इंटीग्रेट ऑडिट्स अगर कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्म यूज़ करना है। स्टैंडर्ड नॉन कन्फॉर्मिटी, दोनों में कई बार कुछ चीज़ें सेम होती हैं, और होती है ज़्यादातर, कई ऑडिट्स जो हम एक साथ प्लान करते हैं वो इसीलिए एक साथ प्लान करते हैं क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है और वो दोनों आराम से एक साथ हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड में जिस भी हम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट कर रहे हैं उसकी नॉन कन्फॉर्मिटी, मेजर या माइनर एंड से जो भी हम रेस कर रहे हैं उसका एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मतलब ये कि उसका कौन सा क्लॉज है जिसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं, वो क्लॉज की डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी।
डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, ये हमारा वो मेजर चीज़ है जो हमने फाइंड करा है, फाइंडिंग्स। इस ऑडिट में जो हमारी फाइंडिंग है कि इस स्टैंडर्ड में इस क्लॉज के अगेंस्ट हमें ये चीज़ मिली है जो कि कन्फर्मेंस नहीं है जिसका, या नॉन कन्फर्मेंस में है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे डालना होगा। ये काम हो गया ख़त्म ऑडिटर्स का, राइट। अब ऑडिटर्स का काम होने के बाद काम शुरू होता है साइट का, तो साइट के अब ये चीज़ें भराएगी। साइट इसमें लिखेगा कि करेक्टिव एक्शन क्या दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो वो जो भी इस नॉन कन्फर्मेंस के अगेंस्ट जो भी एक्शन देंगे वो कहलाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टिव एक्शन, जो भी वो करेक्शन करेंगे। यहाँ पे प्रिवेंटिव नहीं आएगा, हमने पार नेम नहीं यूज़ करा, प्रिवेंटिव एक्शन रिक्वेस्ट हमारा फॉर्म का नाम नहीं है, हमारे फॉर्म का नाम है करेक्टिव, क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर हम उसे सिर्फ सुधार सकते हैं फिलहाल, तो ये वो वाला फॉर्मेट है, राइट। करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट फॉर्मेट है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा कि क्या करेक्शन किया जा रहा है, फिर उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस हम जनरली 3 कलर्स में शो कर सकते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड मतलब कुछ भी नहीं हुआ है अभी उसमें काम, येलो मतलब काम चल रहा है, और ग्रीन मतलब ये है कि काम खत्म हो गया है, राइट। तो हम इसमें स्टेटस शो कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ लिख भी सकते हैं, कलर कोडिंग नहीं देके हम लिख भी सकते हैं। इविडेंस, जो भी हम काम कर रहे हैं, करेक्शन हम ले रहे हैं, उसका इविडेंस चाहिए। इविडेंस एक फ़ोटो भी हो सकता है, या एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, या अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसकी भी कुछ इविडेंसेस हो सकते हैं। इविडेंस में आप कुछ भी इविडेंस में रख सकते हैं, कार आईडी, क्योंकि जनरली जो भी करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट होती है उसका एक आईडी नंबर होता है, तो साइट्स के हिसाब से इसका नंबर दिया सकता है, लाइक कार 1, कार 2 और BU1, BU2 और व्हाट्स एवर साइट में लाइक, राइट। फिर डेट, करेक्टिव एक्शन रेज की गई थी, देखिए ऑडिट यहाँ पे हमने दिया नॉन कन्फर्मेंस, उसके बाद वो साइट अपने लेवल पे उसको डिस्कस करेगी, उस पर करेक्टिव एक्शन प्लान करेगी, तो एक डेट आएगी कि करेक्टिव एक्शन कब रेज हुआ था, राइट। तो डेट करेक्टिव एक्शन रेज कब रेज हुआ था, फिर डेट ड्यू टू क्लोज, मतलब ये कि वो कब ड्यू है क्लोजिंग के लिए। सपोज 6 सितंबर को ऑडिट हुआ था, राइट, 6 सितंबर का नॉन कन्फर्मेंस रेज हुई है, साइट ने डिस्कस करके 8 सितंबर पे उसका करेक्टिव एक्शन रेज किया, और ये रेज किया कि इसे हम 12 सितंबर तक क्लोज कर देंगे। तो ड्यू डेट ऑफ क्लोजिंग आएगा 12 सितंबर, डेट ऑफ रेजिंग आएगा 9 सितंबर, राइट। डेट क्लोज, ये एक्चुअली हमने ड्यू डेट लिया है क्लोजिंग का, लेकिन क्या उस तारीख तक क्लोज हुआ? सपोज हमने कहा कि 12 सितंबर तक हम क्लोज कर देंगे, तो क्या 12 सितंबर तक क्लोज हुआ? हो सकता है 15 तक क्लोज हुआ हो, तो डेट ऑफ क्लोजिंग आ जाएगा 15। फिर क्लोज पे क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे, मतलब ये कि इट इज़ अ वेरीफिकेशन पार्ट, मतलब ये कि अभी वेरीफाई करेगा कोई थर्ड पर्सन उस काम को, और फिर उस पर कमेंट्स देगा कि वो एक्चुअल में क्लोज हुआ है या नहीं। जो टीम ने काम करा उनके हिसाब से वो क्लोज है, लेकिन एक्चुअल में उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्लोज माना जाएगा या नहीं, वो एक थर्ड पर्सन उसको वेरीफाई करके बताएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अगर ये क्लोज में यस और नो आएगा, राइट। तो ये था एक कार का फॉर्मेट, मैं आपको एक शॉर्ट में करके ऐसे फुल में दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है, इसलिए इसे फुल स्क्रीन में लेंगे तो बहुत छोटा दिखेगा, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है। होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।